हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिनाल की रासायनिक क्रिया में आज का हमारा टॉपिक है अमोनिया से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया और फेनिलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अमोनिया से क्रिया। जो फिनाल होता है वो अमोनिया से रिएक्ट करता है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उच्च ताप पर ही अमोनिया से रिएक्ट करता है। और हम देख रहे हैं कि जैसे कि फिनाल से हमको OH मिल जाए और अमोनिया से मिल जाए हाइड्रोजन, तो ये तो बहुत बढ़िया होगा, पानी बन जाएगा। तो भैया पानी बनाने में कोई दिक्कत तो है नहीं हमको, तो हम पानी बनवा देते हैं इसमें। तो यहाँ से क्या लेंगे हम, यहाँ से मिलेगा पूरा का पूरा OH और यहाँ से मिलेगा हमें हाइड्रोजन, और इस तरह H और OH मिलके बनाएंगे H2O। तो हम यहाँ कर देते हैं प्लस में, क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं H2O। और क्या होगा, अब यहाँ NH2 ग्रुप बचा, तो NH2 ग्रुप जो रहेगा वो ऊपर जाके लग जाएगा फिनाल के। तो भैया लगा दो NH2 ग्रुप, तो ये लगा दिया हमने NH2 ग्रुप। अब इसको तो कई बार हम देख चुके, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में, सेंड मेयर अभिक्रिया में हम जानते हैं कि ये क्या है, तो ये है एनिलीन। तो ये बन गया एनिलीन। तो इतना सा सिंपल सी रिएक्शन है, सिंपल फंडा HOH और धातु हेलोजन। ये तो रिएक्शन में आप आँख मिच के याद रखो कि इनको निकालते निकालते रहते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ से OH बाहर आया, यहाँ से H बाहर हुआ, H2O बना, और ये जो NH2 ग्रुप जुड़ा था वो यहाँ लग गया, और इस तरह हमें एनिलीन प्राप्त हुई। तो हम कैसे बोलेंगे, फिनाल उच्च ताप पर अमोनिया से क्रिया करके, या फिनाल अमोनिया के साथ उच्च ताप पर जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करके एनिलीन बनाता है। तो अमोनिया से क्रिया में हो गया एनिलीन। हाँ, तो सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो फिनाल नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करेगा, तो हम फिनाल को नाइट्रस अम्ल को ऐसा लिख देते हैं, जैसे अगर नाइट्रस अम्ल नहीं लिखा रहे रिएक्शन में और ऐसा लिखा रहे NaNO2। सेंडमेयर में भी हम पढ़ चुके हैं, और प्लस लिखा रहे HCl। तो इस कंडीशन में भी हमें क्या होता है, HNO2 नाइट्रस अम्ल फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिलता है। तो चाहे ये लिखा रहे रिएक्शन में डायरेक्ट, चाहे ये लिखा रहे, आपको दोनों में यही समझना है कि हमें नाइट्रस अम्ल ही मिलेगा। और आप सेंडमेयर रिएक्शन को याद भी कर लो या डायजोटीकरण को याद कर लो, उसमें भी ऐसे ही होता है, इसको लेने पर हमें नाइट्रस अम्ल मिलता है। अब नाइट्रस अम्ल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं HONO। तो ये जो OH निकलेगा वो यहाँ पर पैरा पोजिशन से H लेगा, यहाँ पर H भी होगी ना, यहाँ पर H होती, तो H और इसका OH क्या बना लेगा, तो भैया H2O बना लेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस H2O। तो हमने लिख दिया प्लस H2O। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन को हम कहाँ लगा देते हैं, तो हम इसे पैरा पोजिशन पर जाकर लगा देते हैं। तो यहाँ लग देते हैं NO। तो इस तरह हमें क्या मिला, तो हमें मिला पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। तो अब हम इसे बोलेंगे कैसे, फिनाल नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके पैरा नाइट्रोसो फिनाल बनाता है। नाम भी लिख दे क्या, चलो आप बोल रहे तो लिख देते हैं पैरा नाइट्रोसो फिनॉल। तो इस तरह से फिनाल की नाइट्रस अम्ल से क्रिया होती है। और जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया करो तो नाइट्रिक अम्ल का भी याद कर लो, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनता है नाइट्रस अम्ल से क्रिया करने पे, आर्थो पैरा व्युत्पन्न बनते हैं। तो ये हो गई हमारी दोनों रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, थेलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो थेलिक एनहाइड्राइड अभिक्रिया में क्या होता है कि हमने फिनॉल के दो अणु लेंगे, क्योंकि ये थेलिक एनहाइड्राइड जो होता है फिनाल के दो अणुओं से क्रिया करता है। ये थेलिक एनहाइड्राइड का हमने एक मॉलिक्यूल ले लिया, वो फिनाल के दो मॉलिक्यूल से क्या करेगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया करेगा। और बोलो सांद्र H2SO4 का रूल मैंने आपको क्या बताया था बाल गोपालो, कि सांद्र H2SO4 हमेशा पानी का एक मॉलिक्यूल्स निकालता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, ऑक्सीजन दिख रही कि नहीं, ये बेंजीन बनाया, यहाँ पे जोड़ा C डबल बॉन्ड हो और ये दोनों को ऑक्सीजन से कनेक्ट करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन दिख रही है, और बेंजीन के हर कॉर्नर पे H भी तो होते हैं, तो हमें यहाँ से H मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर H है कि नहीं, इस कोने पे भी H है हर जगह, पर जहाँ के हमको यूज़ करना वहाँ हम लिख लेते हैं। तो ये दोनों HS दिख रहे हैं आपको, अब ये जो दोनों HS दिख रहे हैं, तो अब आपको पानी बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं, ये देखो, ये चलो आगे चलो, बहते 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 ये बनाया हमने पानी H2O। तो माइनस क्या कर देते हैं H2O। अब क्या हो, फिनाल से हाइड्रोजन निकलने से बॉन्डिंग फ्री हुई, इस फिनाल से ये हाइड्रोजन निकाल, तो यहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो गई, फ्री हो गई। तो हम इनकी फ्री बॉन्डिंग यहाँ पर क्या करते हैं बता देते हैं, एक फ्री बॉन्डिंग ये रही और एक फ्री बॉन्डिंग ये रही। अब यहाँ से क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकला, तो यहाँ दो बॉन्ड फ्री हुए हैं, तो यहाँ पर दो बॉन्ड फ्री बता देते हैं ना, यहाँ पर, तो इस पर दो बॉन्ड क्या हुए, फ्री हुए। तो यहाँ पर एक एक बॉन्ड फ्री है और यहाँ पर दो बॉन्ड फ्री है, तो एक बॉन्डिंग ये इधर करेगा इस तरह से,
और एक बॉन्डिंग ये इससे कर लेगा इस तरह से, और एक तरह से हमको फिनॉफ्थेलिन का मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये है फिनॉफ्थेलिन। तो लिख देते हैं, और फिनॉफ्थेलिन को कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट ना जाने ऐसा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि टाइट्रेशन सभी स्टूडेंट करते हैं। तो जो फिनॉफ्थेलिन हमें मिला है वो एक सूचक होता है जिसे हम टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि अगर फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में थैलिक आयन हाइड्राइड के साथ कराते हैं तो फिनॉफ्थेलिन मॉलिक्यूल्स मिलता है, जो एक सूचक की तरह कार्य करता है। तो ये हो गया हमारा क्या, तीसरी रिएक्शन। उम्मीद है कि आपको तीनों रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में मिलते हैं अगली रिएक्शनों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।